ये किसी कायर समाज की पहली निशानी है कि वो समाज अपने बीच में अपनी बातों को, अपने फैसलों को, अपने झगड़ों को जो सुलझा नहीं सकता है वही कोर्ट कचहरी जाता है। और जब कोर्ट कचहरी आपके फैसले देने लगता है तो यह जरूरी नहीं है कि जिसने काला कोट पहन लिया है वो हिंदुत्व की परिभाषा भी देंगे, वो सब शबरीमाला के बारे में भी देंगे, वो दही हांडी की लंबाई भी नापेंगे, वो महाकाल में कितना पानी चढ़ा इसके बारे में भी देंगे। ये कायर समाज की निशानी है। हमने इस भौतिक युद्ध में इतना लंबा रास्ता तय किया है कि आज सनातनी हिंदू के परिवार में बेडरूम के अंदर क्या होता है इसके बारे में भी कोर्ट डायरेक्शन दे रही है। हम कुछ मसले अपने आप नहीं सुलझा सकते, हम दूसरी कौमों से नहीं सीखते, लिहाजा हमारी जो दुर्गति है इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदारी नहीं है इसकी, क्योंकि हम खुद यही हैं। इसलिए सही बातों को रखते नहीं है, क्योंकि सच बोलने से टिकट नहीं मिलती और जब मिल जाए तो इसलिए सच नहीं बोलना है कि सच बताना नहीं है, नहीं तो टिकट वापस हो जाएगी। इसलिए राजनीतिक लोग अलग अलग पार्टियों में हैं, अलग अलग जगह हैं, किसकी क्या विचारधारा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी सोचिए कि 90 से 100 करोड़ सनातनी हिंदू समाज की बात दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला भी नहीं सुनता है और 300 वाला भी नहीं सुनता है। इसलिए कि आप 100 से 90 करोड़ भारत की जनसंख्या के अनुसार तो नजर आते हैं, लेकिन जब होता है कोई बनिया होता है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, और सब कुछ होते हैं आप। इसलिए आज पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां इतनी बड़ी तादाद में जो राष्ट्र के सबसे ताकतवर लोग हैं, जो इस राज्य के बनाए कानून को मानते हैं, ना चाहते हुए भी मानते हैं, नहीं पसंद आता फिर भी मानते हैं, वो टैक्स भी देते हैं, वो जीएसटी भी देते हैं, लेकिन आपकी निजी स्वार्थों ने आपको ऐसा कायर बना दिया है कि दुनिया में जहां 90% लोग अपने देश के सारे कानूनों को मानते हुए भी वो ये मानते हैं कि इस देश में जो गिनती में कम है, किसी ने शाहीन बाग पे बैठ के डराया, किसी ने 1984 में सिखों का कत्लेआम करके डराया, किसी ने कश्मीर में 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के डराया, सरकार उनकी सुनती है आपकी नहीं सुनती। और आप और आपके लीडर और आपके बीच में समाज सेवा का दावा करने वाले लोग आपके उस पुरुषार्थ को नहीं जगाते, वो भी हिंदुत्व के नाम पे एक फॉर्मेलिटी पैदा करते हैं, ये नहीं बताते कि दुनिया में पहला देश है भारत जहां बहुसंख्यक समाज को लगता है कि उनके समान नागरिक अधिकार इस देश में कम पॉपुलेशन वालों से ज्यादा है, 2% 2.5% 16% वालों के अधिकार आपसे ज्यादा है। आप हर चीज का हल सरकार से चाहते हैं और सरकार आपसे वोट लेती है और आप वोट देने के लिए इस देश के अलग अलग राज्यों में 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने का बिजली का बिल माफ कर देने से वोट दे देते हैं। अपने दिल पे हाथ रखिए, हम सबको एक ना एक दिन जाना है। अपने जमीर से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, क्या हमने जन्म 4 गाड़ियां बड़े मकान, बेटी को अमेरिका में, लड़के को
इंग्लैंड में स्थापित करने के लिए लिया है। हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमारा कोई कर्तव्य, हमारा कोई दायित्व नहीं है। हम 70 सालों में वोट देने की तमीज भी हमने 2014 में सीखी, जिन्हें हम मानते हैं कि वो पंचर पुत्र हैं। हमें ऐसा लगता है, ये कहकर के हम हंस सकते हैं, उन्होंने इस देश में कभी रैली नहीं निकाली कि हम बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने सरकार से ये सब मांगे नहीं कि जो हम करते हैं। उन्होंने सरकार से जो निगोशिएट किया, और ऐसा निगोशिएट किया, करोड़ों इस देश में हिंदू लोग घूम रहे हैं, लाखों संगठन चल रहे हैं। आपका एमएलए, आपका एमपी संसद से बाहर निकलने के बाद आपके क्षेत्र में भी ऐसी सभा करके सच्चाई नहीं बताता, की कोशिश नहीं करते। अगर ये जान जाते कि आपका, आपकी आस्थाओं का, आपके राष्ट्र की इंच इंच जमीन का सौदा हो गया है, तो हो सकता है मैं और आप उसमें कुछ कर न सके, लेकिन चिल्लाने से करोड़ों लोगों को पता चल जाएगा, और करोड़ों लोगों में से कुछ करोड़ खड़े हो जाएंगे, सरकार डरने लगेगी। इसलिए आर्टिकल 35 पे मेरे एक साथी स्वर्गीय कुलदीप संदीप कुलकर्णी, महाराष्ट्र के रहने वाले, हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहली बार आर्टिकल 35 पे की एक पिटीशन डाली थी। मेरे दोस्त है, मैं विदेशी एक चैनल में काम करता था, तब भी मैंने कहा आप पिटीशन डालिए, इस पर डेट पड़ेगी, लोगों को कुछ पता चलेगा, लेकिन असली जन जागरण यह होगा, चौराहे चौराहे, गली गली, ये धारा कैसे आई, कैसे बनी, और कैसे तमाम समाज के तमाम राजनीतिक दलों ने और समाज के ठेकेदारों ने इसकी तरफ इशारा तक नहीं किया, बताया नहीं आपको। उनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं। हजारों कश्मीर के ऊपर सभाएं होती हैं, सेमिनार होते हैं, मैं भी 88 से दिल्ली में हूं, मैंने नहीं सुनी आज तक कोई सभा कि इस देश में किसी के अधिकार छीन लिए जाएं। हमारी मांग है कि जो नाजायज अधिकार है उन्हें समाप्त कर दिया जाए। इसलिए धारा 370 के बारे में जब बिल लेकर के आया गया, तो कमाल देखिए आपके आदमियों का, लोग उनकी तारीफ करते हैं, उतनी तारीफ तो करनी चाहिए समाज को, ताकि उनको बोध हो कि आप खड़े हुए हैं उसके साथ में। लेकिन यह आपका दबाव है कि संसद में उनके लोकसभा में 303 सीटें थी, लेकिन संसद के एक सदन में उनका बहुमत नहीं था। लेकिन आपने 2014 में जिसे भेजा, आपने कहा यह अकेला पड़ रहा है, 2019 में दूसरा भेजा। जो लोग 2014 में उसे गाली कह रहे थे, खूनी सौदागर कह रहे थे, उसने चुप्पी साध रखी थी, उनको लगा डर गया। गुजरातियों का धन्यवाद करना चाहिए, कोई अपनी एक घंटे के लिए पेन नहीं देता, उन्होंने दूसरा भी आपको भेज दिया। मात्र एक साल में लोग कहने वाले लगे पहले वाला ठीक था। उस आदमी ने पूरी व्यू रचना की, इसलिए चाणक थे, हम उनको जानते नहीं, देखते नहीं, लेकिन डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने आचार चाणक सीरियल बना करके और एक्टिंग करके बता दिया कि चाणक क्या था। इस दिन बिल आया संसद में,
दो से तीन लोगों को पता था, बिल रखा आपकी सामूहिक शक्ति के कारण उन लोगों ने एक नई रणनीति बनाई, पूरी दुनिया में चर्चा हुई 24 घंटे तक कि ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिस सदन में इनका बहुमत नहीं था उसी में पहले रखा बिल। हमारे कुछ लोगों का दहर जवाब देने लगा, बोले देखिए अब ये गुजराती हमें बेवकूफ बनाए, इन्होंने राज्यसभा में रख दिया है, अब ये कहेंगे देखिए साहब यहां बहुमत नहीं था इसलिए ये बिल गिर गया, हम तो इसे उठाना चाहते थे लेकिन गिर गया, अब हम अगली बार देखेंगे। हमने अपने अंदर अपने लोगों पर थोड़ी देर का, एक घंटे का भी दहर नहीं था हमें, क्योंकि हमको लगता था सब कुछ मिनटों में हो जाए, ये जो सब कुछ मिनटों में होता है उसके लिए 5 साल तैयारी करनी पड़ती है। एक घंटे बाद चर्चा हुई, चर्चा में आपका आदमी ऐसा लगता था सीधे हाथ पे सरकार बैठती है उल्टे हाथ पे विपक्ष, उसके बातचीत और अंदाज से लगता था कि उसने इंतजाम पूरा किया है, अंदाज ऐसा था कि लगता था कि सत्ता पक्ष विपक्ष पे कहीं टूट ना पड़े। और आधे घंटे के बाद वोटिंग हुई, सरकार का जिस सदन में बहुमत नहीं था वहीं आर्टिकल 35 ए पास हो गया। बहुत देर तक लोग पीछे मुड़ के देख रहे थे कहां गए वो लोग, उसमें एक साहब जो आलू से सोना बना रहे थे उन्होंने कहा फैक्ट्री के वर्कर कहां है, पीछे मुड़ मुड़ के देखा मेरी लेबर कहां गई। बिल पास हो गया, संविधान की तमाम मान्यता और परंपराओं के तहत हुआ, कोई घपला नहीं हुआ। ये दबाव था आपका कि आपने जब ये भरोसा जताया कि हमारा हीरो बदल चुका है, हमने कायरों को चुनना छोड़ दिया है, हम अपने हीरो से ये नहीं पूछते कि तेरे दामन पे 2002 के दंगों के दाग हैं, अगर ये दाग अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं। ये जो हमको बहुत ज्यादा अच्छा दिखने की बीमारी है, अच्छा बनने से, आदर्श बनने से सरकार 24 पार्टी की मदद से बन तो सकती है लेकिन राष्ट्र का काम नहीं होता। अगर आज की ये मांग है, अगर इस खेल के नियम ही यही हैं कि कोई सड़क पे बैठ के डराएगा, कोई सड़क पे खड़े होकर के डराएगा, तो फिर हमें भी उसको चुनना चाहिए जो उन्हें डरा सके। यह आदर्शवाद से घर चलता है, राष्ट्र नहीं चलता। जिन्हें घर चलाना है वो रामायण पढ़े और जिन्हें राष्ट्र चलाना है वो गीता पढ़े। घंटे बाद राज खुला, दूसरा बड़ा समझदार है, भारतीय परंपराएं संसद में जो हैं, जो चली आ रही हैं, उन परंपराओं में से जो आपके मतलब की है वो रख लीजिए, जो आपके मतलब की नहीं है उसकी चिंता क्यों करते हैं। उसी का इस्तेमाल करते हुए 2 महीने पहले उसने कहा कि जो नए नए सांसद आते हैं, विभिन्न पार्टियों के आते हैं, ये इस तरीके के डेलीगेशन देश से बाहर बहुत जाते हैं कि किसी को इजराइल भेजा जाता है, खेती वहां ड्रिप खेती कैसे होती है आप सीख के आइए, स्विट्जरलैंड में पानी की व्यवस्था कैसी है, नीदरलैंड की सड़कें कैसी हैं, कहां की मेट्रो कैसी चलती है, ऐसे ज्वाइंट डेलीगेशन बहुत जाते हैं। 2 महीने पहले उसने
ऐसे ही एक ज्वाइंट डेलीगेशन का बनाया और आलू की फैक्ट्री में जितने वर्कर बेरोजगार थे उनसे कहा संसदीय परंपराओं के अनुसार 5 साल से तो आपके पास कोई काम है नहीं, आप हॉलैंड जाइए और वहां पानी की व्यवस्था देके आइए। 2 महीने पहले उन्होंने एक लंबा चौड़ा डेलीगेशन बनाया। उस पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे मित्र हैं, वो बता रहे थे। उसमें से किसी ने पूछा कि इसमें इस बार विपक्ष को ज्यादा तरजीह दी गई है। उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विश्वास। समझदारी इसलिए पैदा होती है कि उसके पीछे आपकी शक्ति खड़ी होती है। इतना समझदार आदमी इसलिए पैदा हुआ, उसे आपका डर था, आपकी ताकत का डर था। उसे मालूम था कि सवाल पूछेंगे 90 करोड़ सनातनी मुझसे। मैं यहां संसद की मीटिंग अटेंड करने नहीं आया हूं। इतना समझदार था, जिस दिन बिल आया उस दिन नीदरलैंड से लौटने की भी फ्लाइट नहीं थी। इसलिए जो विरोध कर रहे थे उनके गले में निकल ही नहीं रहा था। क्या ये दबाव आपने बनाया और आज एक बड़ा फैसला आया है। मैं इसलिए खुश हूं, राजनीतिक गलतियां हुई होंगी, किसी पार्टी ने की होंगी, अपने स्वार्थ में की होंगी, लेकिन जो हमारे बीच में से अपने थे कुछ मतभेदों के चलते उनके साथ अन्याय हो गया, किसी पार्टी विशेष ने किया, लेकिन क्या हम सब उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? क्या हम कोई रास्ता नहीं निकालेंगे बीच में से कि अगर किसी ने उन्हें थोड़े बहुत घाव दे दिए हैं तो उनके घाव पे हम मरहम नहीं लगा सकते? यह सोच के कि मुझे क्या करना है, मुझे तो टिकट मिली नहीं है। इसलिए गुलाम भारत के पहले तथाकथित प्रधानमंत्री जब उनका देहांत हो गया, आज की परिप्रेक्ष्य में सोचता हूं कि शायद किसी को यह डेट भी याद नहीं होती कि उनका स्वर्गवास किस दिन हुआ था, वो कब पैदा हुए थे यह भी पता नहीं था। लेकिन उस प्रधानमंत्री का नाम जिंदा कैसे रखा जाए, तो इस देश के बच्चों के साथ जघन्य अपराध किया। वो बच्चे देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ना ये कहीं से चाचा दिखते हैं, और चाची से उन्हें फुर्सत नहीं। कुछ लोग दुनिया में जिंदा रहने के लिए जिनका कद बौना होता है उन्हें जरूरत पड़ती है कि वो अपने जन्मदिन को भी बच्चों की भेंट चढ़ाकर कहें कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाइए। बेचारे बच्चों पे अत्याचार है, वो पूछते हैं इन्होंने क्या किया बच्चों के लिए। अब वो बच्चे हैं उन्हें क्या मालूम उन्होंने क्या क्या किया है, उनको तो पता नहीं क्या। इसलिए 6 साल पहले, अब से 2 घंटे पहले मुझे हमारे साथी BHU से LLM करने के बाद जो मेरे साथ रहते हैं ओम नरेश यादव जी ने मुझे कहा कि आपकी एक और डिमांड पूरी हो गई है। मैंने कहा मैंने कोई डिमांड नहीं रखी है। आज के परिप्रेक्ष्य में 6 साल से एक बात को बार बार बीच बीच में दोहराता हूं
ये सोच के दोहराता हूं, कभी तो कान में जाएगी, कभी तो ये तथ्य पता चलेंगे, और जब तथ्य पता चलते हैं तो काम कैसे होता है। गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्र थे, ये कोई नई बात नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं। चमकौर के युद्ध में उनके दो बेटों को धोखे से इस्लामिक जिहादियों ने मार दिया था। दो पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, एक 6 साल का और एक 9 साल का, एक इस्लामिक जिहादी बादशाह ने अपने सिपे सालार से कहा कि गुरु गोविंद सिंह को, इनके दोनों बच्चों को इस्लाम में कन्वर्ट करना है। तलवार निकाली गई बच्चों के सामने और उनसे कहा, इस्लाम कबूल कर लो, जिंदा बख्श दिए जाओगे। 6 साल का जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों बच्चों ने, सोचिए उनकी उम्र क्या है, आज की हमारी माएं 6 साल और 9 साल के बच्चे को ये कहानी नहीं सुनाती, ये बात नहीं बताती। वो जिद करता है तो उसको मैगी खाने का वादा कर देती है, किसी तरह टालो। साहबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने उस इस्लामिक जिहादी की आंखों में आंखें डाल के कहा कि मैं पाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। इसके बाद दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया, दोनों की मौत हो गई। उन दोनों की दादी गुर्जरी देवी को जब यह पता चला कि दोनों बच्चों को चिनवा दिया गया है, इस सदमे में उनकी भी डेथ हो गई। यह घटना इतिहास में दर्ज है, हमने इतिहास पढ़ा, भूल गए, खत्म कहानी। लेकिन जिस राष्ट्र के पास ऐसे दो बहादुर बच्चे हो जिनकी बहादुरी की कहानी आने वाली नस्लों को प्रेरित करेगी और ये कहानी सुनाई जाती, तो ये जो देहादी इस समय पूरे देश में तलवार के जोर पर कन्वर्जन कर रहे हैं, एक भी नहीं होता। भगवान राम के बारे में, मां सीता के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए पास के कोर्स में, दिल्ली में यहां बड़े बड़े राष्ट्रवादी बैठे हुए हैं, बीए पास के कोर्स में 10 साल तक जय रामानुजन की किताब पढ़ाई गई, जय रामानुजन की किताब में बीए पास के कोर्स में लिखा हुआ था मां सीता का जन्म रावण की छीक से हुआ, भगवान राम के भाई लक्ष्मण के सीता जी से अनैतिक संबंध है, इस पर किसी को जेल हुई? ये किसी की आस्थाओं के ऊपर चोट नहीं थी? भगवान राम को गाली देना मजाक है, गांधी जी के बारे में अशब्द कहने पे आप जेल भेज देते हैं, ये पाखंड है। अगर आप मुझसे ये उम्मीद चाहते हैं कि मैं आपको इज्जत दूं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेरी भी बराबर इज्जत करनी पड़ेगी। एक तरफा नहीं चलने वाला ये, आप आए गाली देके चले जाएं। वो हैदराबाद वाला कहता है भगवान राम की मां कहां कहां गई थी, इस भाषा में बोलता है, पलट के पूछ लो वो कहां कहां गई थी तो अभी मुसीबत हो जाएगी, सारा इस्लाम बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपने मजाक बनने दिया, आपकी चुप्पी ने मजाक बनने दिया। इसलिए एक आदमी दिल्ली में बैठकर के कोई भी बात कर देता है, सनातन हिंदू ने किसी से नहीं पूछा इस्लाम क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, नहीं पूछा, क्योंकि आपको लगता है हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई गाली देता है तो देने दो,
बख्शा नहीं जाएगा। हम तो आदमी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आने वाले लोगों के लिए, जिनके बाप इस देश के गवर्नर थे, कई बार मंत्री रहे, नाना राष्ट्रपति रहे, खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए और हमसे कह रहे हैं, हमें बताएं हिंदू धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है, हम पूछे इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, आप किस इस्लाम को मानते हैं, कौन से इस्लाम को मानते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली की गर्दन फजर की नमाज के बाद मस्जिद में काटी गई, उनकी बेबी बेटी फातिमा का मकान जला करके किवाड़ के नीचे जला के मार दिया गया, उनके नवासों को करबला के मैदान में भूखा प्यासा रख के मार दिया गया, पहला खलीफा अबू बकर, दूसरा, तीसरा, सबकी हत्याएं हुई। आप बताएं कौन सा इस्लाम है आपका, अबू बकर का इस्लाम है या इमाम अली का इस्लाम है। हम बताते हैं हिंदुत्व की परिभाषा बताएंगे, अभी भी समझ में नहीं आ रही। हिंदुत्व की परिभाषा देने के लिए बहुत भान हमें शास्त्र नहीं पढ़ने हैं। मैंने कहा ये वो जनरेशन है जो मैगी खाती है, दो मिनट से ज्यादा याद नहीं रखती। भारी भरकम शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, शॉर्ट में समझाइए हिंदू धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है। अयोध्या में इस्लामिक आतंकवादी औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया मंदिर, अयोध्या के अंदर भारत का प्रधानमंत्री भगवान राम के मंदिर की नींव भी रखता है और भगवान राम की मूर्ति के सामने दंडवत होकर प्रणाम भी करता है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हिंदू धर्म। लेकिन वही प्रधानमंत्री दिल्ली लौटता है और पुलवामा में जब घुस के वार करता है उसे कहते हैं हिंदुत्व। इसके बार बार डेफिनेशन मत पूछो, अभी बहुत सारी डेफिनेशन आने वाली है।
माता को बदल देते। यह मंदिर हमारी आस्था के केंद्र के साथ साथ ज्ञान की जगह थी, इसलिए हमारे यहां जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें एक ब्राह्मण था, उसमें कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, ये सारे लोग सामाजिक व्यवस्था के तहत थे। इसलिए उस सामाजिक व्यवस्था में जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो लिख पढ़ गया, वो ब्राह्मण हो गया। आज भी भारत की सेनाओं में महार रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। जरा याद करके बताइए, सीमा से जब शहीद होकर जवान आते हैं तो कोई ये पूछता है कि इसमें दो यादव मरे थे, एक बनिया मरा था, एक ठाकुर मरा था। जो भारतीय सेना में चला गया वो क्षत्रिय हो गया, जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य हो गया। हमारा समाज त्यागी की पूजा करता है, अंबानी की पूजा नहीं करता, बिरला की पूजा नहीं करता। यह हमारी ताकत है, हम कितने भी गरीब हो तब भी हमारा आदर्श पैसे वाला कभी नहीं हुआ। भारतीय समाज उसको अपना हीरो मानता है जो त्याग करता है। इसलिए भगवान राम, हम सब जानते हैं कि वो क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने त्याग किया, इसलिए मंदिर में पूजे जाते हैं। इसलिए वो ब्राह्मण उस क्षत्रिय की पूजा करता है, क्योंकि उस दौर के लोग ये नहीं मानते कि ये क्षत्रिय था। उस जिस आदमी ने त्याग किया वो हमारा आइडियल होता है। इस दलदल से बाहर निकलिए। इसलिए जो घर वापसी की बीमारी है, घर वापसी किसकी, जो एक बार गए दोबारा फिर चले जाए, जिनके बाप दादा कायर थे, 2 रुपए किलो चावल में तलवार के जोर पे शलवार पहन के घूम रहे, वो हमें डरा रहे, वो हमें डरा रहे, हमसे कह रहे हैं गला काट देंगे। अबे पागलों, जब हम जब नहीं डरे तो आप क्या डरेंगे। इसलिए कि आप जवाब नहीं देते हैं, डरपोक लोग आपको डरा रहे हैं, वो धमका रहे हैं आपको। धमकाने का भी अलग अलग तरीका है। भारत माता का नारा लगाने से भारत माता मजबूत नहीं होगी। फिर कह रहा हूं, जमीन पे काम करिए, नारा नहीं लगाना पड़ेगा। वो जो 5 वक्त चिल्लाते हैं, 5 वक्त चिल्लाएंगे भारत माता की जय। इसलिए ये जो बीमारी है, यकायक बीच में से कोई खड़ा हो जाता है सभा में से, हिंदू राष्ट्र बनाइए। अच्छा कहां बने, क्या करें उसके लिए। हमने साहब 1 लाख साइन करा लिए हैं, हम कितनी फ्यूटाइल एक्सरसाइज करते हैं, हम किस तरीके के काम ऐसे करते हैं जिसमें हमें ये दिखे हम कुछ कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं बेरोजगार, उनको काम पे लगाते हैं। हमने 1 लाख लोगों के साइन करा लिए हैं, प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री 1 लाख लोगों का साइन देगा, शाम को लिख देगा संविधान में भारत राष्ट्र हिंदू हो गया। सिर्फ 1 दिन के लिए कहता हूं, 1 घंटे के लिए कहता हूं, 90 करोड़ सनातनियों में से 25 करोड़ सनातनी सार्वजनिक जीवन में जिस दिन सनातनी हिंदू हो जाएंगे, होली मनाना, दिवाली मनाना हिंदुत्व नहीं है। अपने उस पुरुषार्थ को याद कीजिए, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारी उत्पत्ति क्या है, हम किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते। 25 करोड़ लोग भी अपने चलने फिरने में आचार्य चाणक हो जाएंगे, 2 घंटे में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। उसके हाथ में है जो वो सार्वजनिक कर सकता है, इतनी भी ईमानदारी कोई नहीं दिखाता है, माफ कीजिएगा, वो भी नहीं बताता है। इसलिए कह रहा हूं, सिर्फ कमाई कमाई कमाई, इसके अलावा कुछ सोचता नहीं, और पाखंड करेगा समाज में आकर ऐसा ज्ञान लगेगा जैसे सारा ज्ञानी नहीं तो है।
कुछ पता नहीं। हर ज्ञान के पीछे अपनी कुर्सी के चारों तरफ बस एक जाल बना रहे। माफ कीजिए, मैं किसी निजी टिप्पणी नहीं कर रहा। कोई बात समाज को उसने नहीं बताई कि भारत की संसद के अंदर क्या जघन्य अपराध हुआ। हम रोक नहीं सकते थे, हम पब्लिक में आगे बता तो सकते थे। मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? हां पड़ने वाला है। आपके सामने कोई झूठ बोलेगा आप 5 मिनट उसे समझाएंगे, ज्यादा अगर मगर करेगा एक झापड़ मारेंगे कि जरूर कैसे। आपको झूठ सुनने की आदत डाल दी है इन नेताओं ने। झूठ सुनो और पूरा समाज सुनता है कि सत्ता के ऊपर जो है वही ज्ञानी है। उन्हें वो मास्टर ज्ञानी नहीं लगता जिसने 70 साल लकड़ी की कुर्सी पर बैठ करके हजारों बच्चों को चाणक बनाया, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, रुतबा नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है। इसलिए वो जानते हैं जैसे ही सत्ता आती है आम आदमी से 3 मीटर की दूरी से बात करते हैं। जो कल तक कपड़े का फटा कपड़ा रुमाल समझते थे वो अब नैपकिन से मुंह समझते। सदस्यता इसी के नाम कर देते, हजारों साल तक अमर हो जाते भाई। आज हम 70 साल के बाद उन नेताओं को जिनसे कभी मिले नहीं, देखा नहीं, आज ये समाज उनको उठा रहा है जमीन के अंदर से और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बना के खड़ा कर देता है। कितना भी छुपाओगे ऐसे लोग समय समय पे आएंगे और उन लोगों को हीरो बना देंगे। इसलिए 70 साल लग सकते हैं, इसकी चिंता मत कीजिए कि आप 7 मिनट में हीरो बनेंगे। 70 साल भी लग जाएंगे लेकिन अगर आपने कुछ किया है तो यह समाज किसी ना किसी दिन आपके बारे में बात करेगा और आपको जिंदा कर देगा। इसलिए सरदार पटेल ने बहुत सारे काम ऐसे किए, हम सरदार पटेल की तारीफ करते हैं लेकिन सरदार पटेल बनना नहीं चाहते। बनेंगे तो नेहरू जी, तो 19 साल तक रहना है सत्ता पे मजे लेने, ये बीमारी है। सरदार पटेल ने कैसे 2 काम किए और भारत विचार मंच से मेरी शिकायत है, मैं कोई बात कमरे में नहीं करता हूं। 7 साल से एक चीज के बारे में बोल, आज आपने प्रोग्राम शुरू किया, आपने वंदे मातरम गाया लेकिन आपने वंदे मातरम भारत के 4 मक्कारों के बीच में एक समझौता हुआ था 1937 में, आपने वो वंदे मातरम गाया है। मैं बताता हूं आपको कौन सा वंदे मातरम गाना था और तथ्यों में बता रहा हूं, संवैधानिक तौर पर बता रहा हूं, इसलिए कुछ बातों को पब्लिक करने से आसानी होती है। 1907 नेहरू ने सरदार पटेल को एक काम सौंपा और उनसे कहा कि जब आजादी की घोषणा हो जाए तो संसद में वंदे मातरम होना है। सरदार पटेल ने उनकी तरफ देखा और बस खामोशी से हां में जवाब दे दिया। बात आई गई होगी, इस बीच में सरदार पटेल साहब ने देश के एक बहुत बड़े संगीतकार को टेलीग्राम भेजा और उनसे कहा कि आपको 14 अगस्त की रात में आना होगा, जब आजादी की घोषणा हो जाएगी तो आपको वंदे मातरम गाना है। आप सोचिए कि कितने बड़े कद के लोग होंगे और अगर उनका कोई वंशज इस भारत में जीवित होगा, जब जब यह सुनता होगा उसको कितना दुख होता होगा कि उसके पिता ने, उसके नाना ने, दादा ने भारत सरकार के सामने शर्त रख दी। एक आम संगीतकार, उसने अपने संगीत की दुनिया में जो भी कुछ नाम कमाया होगा इस घटना ने उसे 1000 साल के लिए जिंदा कर दिया। हमारे आज के दौर में कोई होता हमें राज्यसभा में भिजवा दीजिए, हमें नॉमिनेट कर दीजिए,
और कुछ नहीं तो चेयरमैन ही बना दीजिए, यहां से भी काम निकाल लूंगा मैं अपना। भेजा उनसे, कहा कि 14 अगस्त की रात में आपको भारत के पार्लियामेंट में आना है, आजादी की घोषणा के बाद आपको वंदे मातरम गाना है। उस संगीतकार का करेक्टर देखिए, यह देश उसको नहीं जानता, उसके नाम को नहीं जानता। यह शर्म की बात है, यह दुख की बात है। उनके वारिसों को भी लगता होगा कि इस समाज में अभी तक अपने हीरो चुनने की आदत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा सरदार पटेल से, मेरी एक शर्त है। सरदार पटेल ने कहा फरमाइए। उन्होंने कहा मैं खंडित भारत की खंडित पार्लियामेंट में अधूरा नहीं पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। सरदार पटेल मौन रहे, इतना ही कहा आ जाइए। 15 अगस्त 1947 को जो बच्चे यहां बैठे हैं, जो बेटियां बहनें बेटे मेरे बुजुर्ग जो मोबाइल देखते हैं, ढूंढिएगा जब पंडित जी गुलाब का फूल लगा करके अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, क्योंकि भारत के लोग हिंदी जानते नहीं थे। धारा प्रभाव बोल रहे थे, उनकी मजबूरी थी, जिनके वो दोस्त थे वो अंग्रेजी जानती थी, उन्हें बात बतानी थी, उन्हें भारतीयों से क्या लेना देना। आधे घंटे तक डेस्टिनी तेजदार, उसके बाद खत्म हो गया। उतर के नीचे बैठ गए, जैसे मंच पे तमाम सारे गणमान्य लोग बैठे हैं आपके शहर के, वहीं पर एक साहब बैठे हुए थे। सरदार पटेल साहब ने उनकी तरफ देखा, जानते हैं उस संगीतकार का नाम क्या है, उनको इशारा किया, वो पार्लियामेंट के मंच पे चढ़े, 9.5 मिनट का पूरी 22 पंक्तियों का वंदे मातरम गाया। उस संगीतकार का नाम है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। ये देश नहीं जानता, ये राष्ट्र नहीं उसको जानता। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, मैंने इसलिए कहा कि मैं कोई काम आपको अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं करने के लिए कहूंगा। इस वंदे मातरम पे विवाद हुआ, मौलाना आजाद रफी अहमद किदवाई, एक तो इनकी भावनाएं हैं कहां जो हाथ हो जाती पता नहीं, लेकिन हो जाती। उसके बाद फौरन पंडित जी बैठे, क्योंकि उनको उनकी भावनाओं का ज्यादा पता था, क्योंकि वो ये कहते थे कि मैं इंग्लिश मैन, कल्चरली मैं हिंदुस्तानी हूं, बाई एक्सीडेंट हिंदू हूं। अब ये एक्सीडेंट कहां हुआ था ये पता नहीं, वो एक्सीडेंट की जगह पता चल जाए, और कौन लोग उसमें शामिल थे ये भी पता चल जाए, ये नहीं पता। वो कहते बाई एक्सीडेंट आ गए। तो आप सोचिए कि नेहरू जी ने तत्काल तौर पर उस मांग को सकम कर गए और कहा कि नहीं नहीं ठीक है हम सिर्फ ऊपर के 3-2 जो स्टेंजा है वही कहेंगे। अब ये 1937 की बात है, 1937 के बाद 47 आ गई, आजादी का झंडा फैर गया, सब कुछ हो गया, और भारत की आजाद पार्लियामेंट की संसद के अंदर पूरा वंदे मातरम गाया गया। मेरे ऊपर, आपके ऊपर, आजाद भारत की पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ है वो मान्य है कि दो लोगों के बीच में जो समझौता हुआ वो मान्य है, ये बताए। अगर आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरा वंदे मातरम गाया गया तो हम अधूरा क्यों गाते हैं। मार्क बनाया, उस बुक मार्क के ऊपर हमने उसी लता मंगेशकर का QR कोड डाला है जिसे आप स्कैन करें और पूरा वंदे मातरम सुन लें। क्या यह बात गलत है कि आजाद भारत पार्लियामेंट में जो कानून बनेगा मैं उसकी उसको मानूंगा कि 1937 में किसी ने किसी से क्या समझौता किया था। तो हम अधूरा वंदे मातरम क्यों आते हैं। सरदार पटेल इतना बड़ा काम करके गए हमको नहीं पता, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर हम इतना बड़ा काम करके गए हमने उनके वंशजों को नहीं ढूंढा, लेकिन बीच बीच में पता चलता है कि ये टीपू के वंशज मिल गए कहीं भीख मांगते हुए। ये तो खबर बनती है टीपू के मिल गए। आजकल एक टीपू मैंने उत्तर प्रदेश में भी देखा है घूम रहा, उसे भी वंशज मिल जाते हैं।
सरदार पटेल ने ऐसा ही दूसरा काम किया था। आर्टिकल 370 के बारे में बहुत चर्चा हुई, उस वक्त भी हुई। इसलिए ये सारी चीजें भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उस असेंबली की डिबेट ऐसे ही होती थी जैसे आज पार्लियामेंट चलती है। उन डिबेटों को पढ़िए, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। ये झूठे इतिहासकार जो इस देश में घूम रहे हैं, जो शिवाजी को लिखते हैं शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट, हम उनको पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सही सोर्स पे नहीं जाना चाहते और विदेश चले गए। इसलिए सरदार पटेल को मैं विजनरी मानता हूं। सरदार पटेल ने ऐसी किसी समस्या से लड़ने के लिए ना नहीं कहा क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं था। सरदार पटेल खामोश रहे, वो बाहर चले गए। पूरी पार्लियामेंट में चारों तरफ कहा जिस नेहरू जी चाहते हैं कि 370 पास की जाए, बहुत लोगों का गुस्सा था। उन्होंने कभी देखिए नेहरू जी चाहते हैं इसे पास कर दीजिए, पास कराई सरदार पटेल ने। लेकिन उस आदमी का विजन देखिए, पास कराने के बाद उन्होंने उस हाउस में यह कहा कि इतने लोग इसके विरोध में भी हैं, लेकिन मेरी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, नेहरू जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पास तो कर दिया है, लेकिन 370 के खिलाफ जो लोग हैं उनकी भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए। सिर्फ इतना कहा और समझदारी का काम यह किया कि धारा 370 पास करने के बाद जब जोड़ी तो यह कहा कि बहुत सारे लोगों की इससे एक राय नहीं है, उनकी राय को क्या जगह दी जाए। तो धारा 370 जब पास हुई तो उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दिया इट इज टेम्परेरी, कि दो गुजराती आएंगे इसे परमानेंटली हटा देंगे। ये नहीं पता था। इसे कहते हैं कि आप अपना काम कर जाएं, आने वाली नस्लें तय करेंगी कि आप क्या करके गए। सब कुछ हमारे सामने होगा, हम सबके भागीदार बनेंगे। मैं नहीं मानता, इसलिए मैं मानता हूं जो कुछ भी जीडीआरएस एंड सुशील पंडित सब कर रहे हैं, हमें डॉट बराबर भी यह गलतफहमी नहीं है कि जो कुछ हम कह रहे हैं, जो हम सोचते हैं वो हमारे रहते हुए हो जाएगा। कोई गलतफहमी नहीं है, ना कोई दिलचस्पी है इसमें। सरदार पटेल को नहीं थी, बिल्कुल कतई नहीं थी, बहुत लोगों को नहीं थी, लेकिन 70 साल के बाद इस देश में ऐसे काम हो रहे हैं कि लोगों को अंदाजा नहीं था। इसलिए आज अपनी भूमिका तय करें और इस लालच से बाहर निकलें कि इसका फल हमें फौरन मिलना चाहिए।